सो वेरी वेलकम टू माई चैनल। सो आज हम लोग बात करेंगे जो बिहार पॉलिटेक्निक 2022 मीन्स बिहार पॉलिटेक्निक 2022 में जो आपके एग्जाम्स हुई थी उसके जो क्वेश्चंस पेपर है उसके सॉल्यूशंस करेंगे, ताकि ये आपको हेल्पफुल होगा आपका 2023 के जो एंट्रेंस एग्जाम्स होने वाली है फ्यूचर्स में। आपका विद इन 1 वीक में आपका फॉर्म आने वाली है। आज हो गया आपका 15 मार्च, 15 मार्च है, 25 मार्च के आसपास आपका फॉर्म आने वाली है, ठीक है। जैसे आपका फॉर्म आ गया फिर आप लोग अप्लाई करिएगा, फिर आपको हेल्प करेगा। देखिए मोर एंड लेस आपका सब क्वेश्चन सेम होता है। आपको पिछले साल का कम से कम 10 साल का क्वेश्चन को आप क्या करिए उसको लगा लीजिए। 10 साल का क्वेश्चन जैसे ही लगा लीजिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप जब भी एग्जाम में बैठिएगा आपका 100% सिलेक्शन होना है, ठीक है। नहीं तो आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी यूट्यूब वीडियोज़ देख लीजिए, जब तक आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को रिविजन्स नहीं कर रहे हैं, पिछले साल के क्वेश्चन को अच्छा से उसको बार बार नहीं पढ़ रहे हैं, तब तक आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग लेके आए हैं कुछ क्वेश्चन से आपका 2022 का। ये होगा जो क्वेश्चन है वो पूरे मैथमेटिक्स का है, ठीक है, मैथमेटिक्स का है, गणित का क्वेश्चन है। टोटल कितने कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन है? गणित, ठीक है। तो गणित का क्वेश्चन पूरे लगाएंगे हम लोग। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी है। अब जस्ट उसको क्या करना है, अच्छे से समझना है और थोड़ा टाइम देना है और इजीली उसको सॉल्व करना है। चलिए ज़्यादा ना बात करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट और लगाते हैं क्वेश्चंस, ताकि आपको भी हेल्पफुल होगा आगे वाले एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए ये है आपका पहला क्वेश्चन। ये 2000 जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको, ये 2022 का है, ठीक है। आप पेपर कहीं से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए श्री ए और को बी मित्र, ठीक है। ए और बी क्या है? देखिए ए एंड बी के दो दोस्त हैं। क्या है दोनों? ये दोनों दोस्त हैं, दोस्त, ठीक है। उनकी जन्मतिथि भिन्न होने की प्रायिकता क्या है? अगर कह रहा है कि उनकी जन्म, ठीक है, तिथि अलग अलग, भिन्न मतलब अलग अलग, अलग अलग होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। इसमें एक चीज लिखा हुआ है, लीप ईयर वर्ष की गणना न करें। लीप ईयर मीन्स हुआ, लीप ईयर मीन्स कितना होता है? 366 दिन होता है लीप ईयर में, 66 दिन, ठीक है। डैट मीन्स हुआ आपको एक साल का, एक वर्ष में आपको कितना दिन काउंट करना है, यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार 365। तो ये क्वेश्चन क्या है कि दो फ्रेंड हो गए आपका, कह रहे हैं कितने प्रोबेबिलिटी होगा कि दोनों का डेट ऑफ बर्थ मतलब जन्म तिथि क्या हो, एक ही दिन ना हो, एक ही दिन ना हो, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी देखिए, अगर ना हो, अगर मान लेते हैं कि दोनों की प्रोबेबिलिटी मतलब डेट ऑफ बर्थ एक ही दिन है, तो एक दिन में कितना होगा? 1/2 टोटल एक साल में कितना दिन होता है? 365, ठीक है। तो ये हो गया किसका प्रोबेबिलिटी, ये हो गया आपका पी प्रोबेबिलिटी, ए मतलब पी मतलब प्रोबेबिलिटी, या हिंदी में बोलते हैं हम लोग प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता। ए एंड बी का, ठीक है, एक ही दिन जन्मतिथि हो, जन्म तिथि, ठीक है। इसके अनुसार कितना हो जाएगा? 1/365। बट हम लोग को निकालना क्या है कि एक दिन नहीं हो, तो हम लोग को पता ही है कि प्रोबेबिलिटी का जो हमेशा योग करिएगा, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रायिकता, इसका योग जो होता है हमेशा कितना आता है? 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/65। तो नहीं होने के कितना हो जाएगा? 1 - 1/365, ठीक है। इसको माइनस करिएगा कितना हो जाएगा? 365 -1/365, यह आ जाता है आपका 364/365। तो आंसर क्या आ जाएगा? 364/365, ये हो गया आपका सी नंबर आंसर, ठीक है। तो बहुत आसान था, देखिए कुछ नहीं किए, निकालना था हम लोग को कि दोनों का अलग अलग दिन बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है। तो हम क्या किए,
आराम से निकालने के लिए मान लेते हैं कि दोनों का बर्थडे क्या है, एक ही दिन है, एक ही दिन बर्थडे है, तो साल में एक दिन है, तो साल में एक दिन अगर मान लीजिए 14 तारीख को है, ठीक है, 14/3 को है 2017-20, ठीक है, 2020 में एक ही दिन तो इन दोनों का बर्थडे होगा ना, 14 तारीख को, तो पूरे एक साल में कितना दिन होता है, 365 दिन होता है, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1/365, ये हुआ होने का। अगर नहीं होने का पूछ दिया तो एक में से इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो बहुत आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन था आपका पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन द मीन मीडियन मोड में निकालना है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट रिलेशन होगा ये होता है आपका मीन इक्वल टू, लिख लीजिए रिलेशन, ठीक है, ये होता है 3 meridian - 2 times into mode। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, इसी फार्मूला पे बेसिस पे है, तो इसमें से आप मिला सकते हैं कौन सा आंसर मैच करेगा। तो मीन ये इसमें देखिए ये वाला मैच कर रहा है सी नंबर, ठीक है, अगर मीन को इधर के लेके जाइएगा तो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ से लिख सकते हैं इस तरह से, मीन प्लस टू मोड इक्वल टू 3 meridian, ठीक है। तक ये आंसर याद रखिएगा, मीन मतलब क्या होता है, माध, ठीक है, मीद मतलब माध, मीद मीन मतलब क्या होता है, माध, ठीक है, मेरिडियन मतलब होता है बहुलक, माधिका, ठीक है, माधिका, और आपका मूड मतलब होता है बहुलक, बहुलक, ठीक है। तो हमेशा माध क्या होगा, बराबर होता है 3 times of माधिका - 2 times of बहुलक, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा सी, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कोण, देखिए एक प्रतिरूपण मिट्टी से बने हुए एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो एक बालक उसे पुनः एक गोले का आकार बना देता है, तो गोले की त्रिज्या कितना होगा, ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक शंकु है, ठीक है, किसका बना हुआ है ये, मिट्टी का बना हुआ है, ठीक है, ये मिट्टी का बना हुआ है, ठीक है, इसका हाइट दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और त्रिज्या दिया हुआ है, जो बेस का इसका त्रिज्या होगा, त्रिज्या आर इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका 6 सेंटीमीटर। तो कोई एक बालक आता है, ठीक है, बालक इस मिट्टी को जो ये बना हुआ था मिट्टी का, इसको को तोड़ के फिर से एक नया चीज बना देता है, गोला, फुटबॉल, ठीक है, क्या बना देता है, एक फुटबॉल, मिट्टी का है तो ये बना देता है आपका फुटबॉल, ठीक है, ये क्या बन गया, फुटबॉल, ये क्या फिर से किसका है, ये मिट्टी का, गीला मिट्टी होगा, पहले वो शंकु बना हुआ था, इसको तोड़ के फिर से क्या बना दिया, फुटबॉल। तब पूछ रहा है इस जो नया फुटबॉल बना है इसका त्रिज्या कितना होगा, ठीक है, इस फुटबॉल जो बना है गोला, इसका त्रिज्या पूछ रहा है कितना होगा। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, दोनों को देखिए, जब भी हम लोग को ऐसा क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा दोनों का आयतन क्या होगा, हमेशा सेम होगा, आयतन क्या होगा, सेम होगा, डैट मीन्स हुआ आयतन शंकु का बराबर होना चाहिए आयतन किसका, गोला का, एरिया अलग अलग होगा बट दोनों का आयतन क्या होगा, सेम होगा। तो देखिए शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन कितना होता है, पता है किसी को, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h, जहां पे r क्या है, त्रिज्या है, ठीक है, और h क्या है, ऊंचाई है। वैसे ही जब आयतन निकालिए गोला का, आयतन किसका, गोला का, तो गोला का आयतन होता है आपका 4/3 πr, ठीक है, जहां पे ये आर क्या है, त्रिज्या है, ठीक है, तो यहां से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, हम लोग को निकालना क्या है, यही πr³। तो
इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो शंकु का आयतन कितना आया था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। याद रखिएगा आर क्या है, त्रिज्या है, ठीक है, और एच क्या है, ऊंचाई है शंकु, ठीक है। आर क्या है, त्रिज्या, और एच क्या है, ऊंचाई है। अगर ये कोई शंकु है तो ये हो गया आपका त्रिज्या और ये हो गया आपका ऊंचाई। ऐसे ही हम लोग निकालना है गोला का आयतन। आपको बता दीजिए फॉर्मूला, आयतन क्या होता है, ये 4/3 पाई आर क्यू। ये गोला का ये पाई आर क्यू है, ठीक है, पाई आर के पावर 3 है। ये हो गया आपका गोला का त्रिज्या आर, यही हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो दोनों को क्या बताए कि अगर एक दूसरे से दूसरे शेप में लेके जाते हैं तो दोनों का आयतन क्या होगा, ये आयतन इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है, तो हम लोग उससे निकाल सकते हैं। देखिए तो इसका आयतन कितना है शंकु का, 1/1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यू। देखिए ये आर अलग है, इसको इसलिए डाइस प्राइम कर देते हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग है। तो यहाँ से देखिए 3/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा कितना यहाँ पे पाई आर, देखिए कितना गिवेन था, शंकु का त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है 24 सेंटीमीटर। तो दोनों चीज़ यहाँ पे पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर × 24 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 × π × r³। देखिए पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, यहाँ से 6 से 6 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ जब कैलकुलेट करिएगा तो r प्राइम कितना आ गया, r प्राइम के क्यूब इज इक्वल टू हो गया 6 का स्क्वायर × 6, मतलब 6 का पावर 3। यहाँ से r क्यूब आ गया, कितना हो जाएगा 6 आंसर। डाइट मीन्स हुआ कि जो गोला बनेगा उसका त्रिज्या भी कितना होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर। अब आंसर देख लीजिए, ऑप्शन से ए नंबर हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, कौन सा, ए नंबर 6 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन समझ गए कि कुछ नहीं था, पहले एक कोई मिट्टी का था शंकु, ठीक है, उस शंकु का हाइट दिया हुआ था 24 सेंटीमीटर और त्रिज्या दिया हुआ था 6 सेंटीमीटर। किसी बालक बच्चे ने आके उसको तोड़ के बना दिया एक गोला, इस गोले का था, पूछ रहा था त्रिज्या कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप दोनों का आयतन को बराबर कर दीजिएगा, ठीक है, दोनों का आयतन में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो ये पॉइंट याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कि यदि, ठीक है, क्वेश्चन है, यदि 14 सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है, 64 सेंटीमीटर क्यूबिक आयतन के दो घनों का आभास में सिरों को जोड़ दिया जाए तो परिणामी घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा पहले डायग्राम बना लीजिए तो आसानी से समझ जाएगा। घन क्या होता है, जिसमें सब पार्ट बराबर होता है। देखिए ये हो गया आपका एक घन, ठीक है, ये हो गया आपका घन, इसी में दिया हुआ है एक घन है जिसका आयतन है, ठीक है, इसका आयतन दिया हुआ है। अगर साइड मान लीजिए ए है, ये इसका लंबाई चौड़ाई सब क्या होगा, बराबर होगा, ए है तो इसका आयतन कितना होता है, आयतन ए क्यू, ठीक है, क्या आयतन हो जाएगा, ए क्यू, तो ए क्यू हो गया इसका आयतन। यही आयतन दिया हुआ है कितना, 64, याद रखिएगा ये 64 सेंटीमीटर। आप कह रहे हैं कि ऐसा ही एक और है, ठीक है, ऐसा ही एक और क्या है, क्यूब है, एक और क्यूब है, दो क्यूब है, ठीक है, ये है, इसका भी साइड कितना है, ए है, सेम ही है, दोनों क्या है, सेम साइज का है, ठीक है, इसका भी आयतन कितना होगा, 64। आप दोनों को कह रहे हैं ज्वाइंट कर दिया गया, आप जो नया डायग्राम बनेगा दोनों को कह रहा है क्या, ज्वाइंट कर दिया गया है। ज्वाइंट करिएगा तो कैसे दिखेगा, ये देखिए ध्यान से,
एक ये है, ठीक है, इसको थोड़ा हटा देते हैं। ज्वाइंट करिएगा तो कैसे दिखेगा ये? एक और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यही हो जाएगा आपका ज्वाइंट दोनों। डैट मीन्स हुआ इसको भी हम लोग जोड़ दिए, इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे इंड कर दिए। अब देखिए इसका टोटल लंबाई कितना आ जाएगा, एक छोटका का ए है, इधर से भी ए है, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा इधर, 2a। सिमिलरली इधर ये तो ए ही रहेगा और ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा आपका, 2a। दोनों साइड को जोड़ दिए। अब पूछ रहा है कि जो नया घनाभ बना, अब ये क्या बन गया, घनाभ। घनाभ और घन में क्या डिफरेंस है? घन मतलब होता है सब साइड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। घनाभ में आपका सामने वाला साइड बराबर होता है, याद रखिएगा। तो इसका एरिया निकालना है, घनाभ का क्या निकालना है, एरिया, क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए इस पार्ट को, देखिए ये वाला, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये एक क्या बन गया, आयत। इसको देखिएगा ये एक आयत है, ठीक है। इस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, तो लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई कितना है, 2a, और चौड़ाई कितना है आपका, a। तो एरिया कितना हो गया, 2a²। तो ऐसा ही देखिएगा इस पीछे में भी है ऐसा ही एक, ठीक है। तो दो हो गया, एक ऊपर में है, तीन हो गया, इसके एक नीचे होगा, चार हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा इस तरह का, 4 × 2a² डैट मीन्स हो गया 4 8 × a² एक पार्ट का होगा। और इस साइड वाला देखिएगा, जो इस साइड वाला, ठीक है, इस साइड वाला आपका पहले जैसा एरिया रहेगा, ठीक है, ऐसा ही दिखेगा ना, ये साइड वाला ऐसा ही दिखेगा आपको, ये वाला पार्ट ऐसा ही दिखेगा। ऐसे दो साइड है, एक ये हो गया और एक इस साइड में हो जाएगा ये वाला पार्ट, ठीक है, एक ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे इसका एरिया कितना होगा, a × a, डैट मीन्स हुआ a² कितना है, 2 है। तो यहाँ से आ जाएगा ये 2a² टोटल एरिया को ऐड कर दीजिएगा, तो प्लस इसमें क्या आ जाएगा, 2a² टोटल एरिया कितना आ गया, 8 और 2 10 a² हम लोग को क्या पता करना है, a का वैल्यू पता चलेगा तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं aq = दिया हुआ था कितना, 64, ठीक है। तो a कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे डाल दीजिए a की वैल्यू, 10 × 4² तो 10 × 4² कितना होता है, 10 × 4 = 16 डैट मीन्स वह 160 सेंटीमीटर² आंसर हो जाएगा। देख लीजिए आंसर बी नंबर हो जाएगा आपका, 160 सेंटीमीटर। बहुत आसान था, आपको कुछ नहीं करना था। दो घन को ज्वाइंट कर दिया गया है, ज्वाइंट करने के बाद जैसे उसको ज्वाइंट किया गया है तो एक घनाभ बना है, ठीक है। तब इस घनाभ का पूछ रहा था आपका एरिया कितना होगा, क्षेत्रफल, जबकि घन का आपका वॉल्यूम दिया हुआ था, आयतन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन से कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर परिधि, ठीक है, परिधि के एक वृत्त के एक चतुर्थांश क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत आसान है। एक कोई ये वृत्त है, क्या है ये वृत्त, ठीक है। इसका परिधि दिया हुआ है आपका, परिधि 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तब परिधि क्या होता है वृत्त का, 2πr होता है ना, 2πr कितना दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं क्या, r कितना आ जाएगा, 22/2π, डैट मीन्स वह 11/π। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, हम लोगों को क्या पता चल गया, त्रिज्या क्या चलता है, तब वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या r = हो गया कितना, 11/π। इसको रखे रहिए। तो हम लोग से पूछा क्या रहा है कि इसको जब चार पार्ट में ब्रेक करिएगा, ठीक है, वृत्त को, तो एक पार्ट का एरिया पूछ रहा है। किस क्या पूछ रहा है, एक पार्ट का एरिया कितना होगा, एक पार्ट का, इस पार्ट का एरिया कितना होगा। तो हम लोग को पता है वृत्त का एरिया कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²
ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर होता है टोटल, यहाँ से ही पूरे देखिएगा, ये सब पार्ट मिलाइएगा तब होता है पाई पाई आर स्क्वायर। इसमें से चौथाई भाग लेना है, तो क्या करना है हम लोग को, कुछ नहीं करना है, इस पार्ट का एरिया जो होगा ये हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग को 1/4 पाई पाई ही रह जाएगा, और आर का वैल्यू कितना है 11/पाई का स्क्वायर, ठीक है। इसको कैलकुलेशन कर लीजिए यहाँ पे डिटेल से, कितना हो जाएगा ये 1/4 गुने पाई 11 का स्क्वायर बट्टा पाई का स्क्वायर, स्क्वायर से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, अब कितना बचेगा आपका 1/4 11 गुने 11, पाई को क्या लिख सकते हैं 22/7, तो ऊपर में 7 चला जाएगा, तो 11 से ये कट जाएगा 2, ठीक है। क्या उतना हो जाएगा ये 4 11 2 22 कितना बचा 77/8 77/8 आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन है कि नहीं, ये नंबर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 77/8, कुछ नहीं था, एक आपका वृत्त दिया हुआ था उसका परिधि गिवन था, ठीक है 22 सेंटीमीटर, कह रहा है कि उस वृत्त का 1/4 एक चौथाई भाग का एरिया कितना होगा जब परिधि इतना, बहुत आसान है, आराम से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है चित्र में यदि टीपी, टीपी कौन सा है, ये वाला है, ठीक है, टीपी और टीक्यू, टीक्यू आपका ये वाला हो गया लाइन, और केंद्र ओ, सेंटर ये ओ है ये वाला, से एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। देखिए क्वेश्चन है कि कोई एक वृत्त है, ठीक है, इसका सेंटर होगा, केंद्र होगा जिसको ओ बोलते हैं, यहाँ से इस पॉइंट से दो स्पर्श रेखा है खींचिएगा, तो ये पॉइंट आपका है टी, और जहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है, उसको स्पर्श कर रहा है वो है पी एंड क्यू, और ये वाला एंगल भी दिया हुआ है आपका 110 डिग्री, ठीक, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं टेंजेंट लाइन, ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं हम लोग स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, ठीक। तो पूछ रहा है क्या, देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगर पी क्यू बराबर दे दिया है एंगल 110, तो कह रहा है आपका पी टी क्यू का एंगल क्या होगा, देखिए पी टी क्यू डेट मीन्स इस एंगल की वैल्यू पूछ रहा है कि ये एंगल कितना होगा, देखिए कैसे निकालिएगा, इस पॉइंट को देखिए ओ पी क्यू टी को यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, इसको अलग से लिख लेते हैं सब पॉइंट पे से, तो आसानी से बन जाएगा। देखिए ये पॉइंट कौन सा है पी, फिगर में देखिए ये पॉइंट आपका क्यू है, और ये पॉइंट आपका टी है, और ये आपका केंद्र वाला पॉइंट है, ठीक है, ये दोनों क्या बनेगा रेडियस। तो आपको पता होना चाहिए एक कंसेप्ट है यहाँ पे, कोई भी सर्कल पे अगर कोई भी स्पर्श रेखा डालिएगा, ठीक है, तो जो केंद्र पे जो लाइन होता है रेडियस वाला त्रिज्या वाला, ये हमेशा 90 डिग्री कोण बनाता है, ठीक है, ये लाइन है, तो यहाँ से एक और स्पर्श रेखा था, यहाँ से केंद्र से मिलाइएगा तो ये भी कितना बनाएगा 90 डिग्री, तो डैट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे ये एंगल कितना है 90 डिग्री, और ये कोण भी कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है, दोनों जगह स्पर्श कर रहा है, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, और ये भी क्या होगा 90 होगा, दोनों 90 है, ये पहले से गिवन है, कितना है ये आपका 110, तो हम लोग को ये वाला कोण क्या है निकालना है, ये वाला कोण हम लोग को निकालना है, तो निकल जाएगा ना, अगर चार है भुजा वाला है कोई, तो उसका तीन चारों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, कोण ए पी प्लस कोण ओ प्लस कोण क्यू प्लस कोण टी बराबर कितना होना चाहिए 360, ठीक है 360 डिग्री, तो यहाँ से देखिए पी गिवेन है 90 है, ओ कितना है 110 है, इसके बाद आपका क्यू कितना है 90 है, हम लोग को टी निकालना है इक्वल टू कितना है 360, तो यहाँ से हम लोग टी निकाल सकते हैं, कोण टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 माइनस कितना हो जाएगा 190, 90 ये हो गया 200 हो गया ना, और ये 290 माइनस कर लीजिए तो ये कितना आ रहा है 70 डिग्री, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 70 डिग्री, आंसर क्या आ जाएगा आपका 70 डिग्री, डैट मीन्स हुआ आपका ये वाला कोण जो है ये वाला ये होगा आपका 70 डिग्री का, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बी नंबर।
ठीक है, बहुत आसान था, बस एक लाइन इसमें कंसेप्ट था कि जब भी हम लोग किसी भी वृत्त पे स्पर्श रेखा डालेंगे तो जो केंद्र पे कोण बनाएगा, ठीक है, स्पर्श रेखा के साथ, वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, ये लाइन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कि धरातल पर एक बिंदु से जो कि टावर के आधार से 30 मीटर दूर है, टावर के शीर्ष पर उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए कोई ये टावर है, ठीक है, टावर है, ठीक है, कोई टावर बिल्डिंग है, टावर से कह रहा है आधार, जो बिल्डिंग है इससे ये 30 मीटर आगे है, यहाँ पे है 30 मीटर, तो जो ये बिल्डिंग का हाइट है ये इसके साथ बना रहा है क्या, उन्नयन कोण कितना डिग्री का, ये बना रहा है आपका 30 डिग्री का। ठीक है, तब कह रहा है इसका ऊंचाई कितना होगा, इस टावर का ऊंचाई निकालना। ठीक है, यही ऊंचाई आप हम लोग को निकालना, मान लेते हैं इसको क्या एच, इसको मान लेते हैं हम लोग बी। ठीक है, देखिए कैसे फाइंड आउट करना है, ये एंगल कितना है 30 डिग्री है, 30 डिग्री है तो हम लोग को क्या लगाना है, देखिए टेन थीटा लगाइएगा, इसके लिए थोड़ा आपको ट्रायंगुलोमेट्रिक त्रिकोणमिति आना चाहिए। देखिए टेन थीटा क्या होता है, बी बाई पी, ठीक है, पी बाई बी, तो साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच, और कॉस थीटा क्या होता है बी बाई एच। जब अगर कोई समकोण त्रिभुज हो, ठीक है, ये होता है आपका बेस, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं हम लोग आधार, इसको बोलते हैं हम लोग लंब, ठीक है, और ये होता है आपका कर्ण। तो हमेशा जो एंगल लीजिएगा, ठीक है, एंगल, तो जो एंगल आप अगर मान लीजिए ये ले रहे हैं तो इसके सामने वाला हो जाएगा लंब, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये वाला लीजिएगा तो इसके लिए ये हो जाएगा आपका लंब, तो ये बात याद रखिएगा। तो अगर ये है आपका थीटा तो इसके लिए लंब कौन सा हो जाएगा, ये सामने वाला, ये क्या कहलाएगा लंब, और इसके साथ में जो जुड़ा रहेगा इसको हम लोग बोलते हैं आधार। तो टेन थीटा होता है आपका लंब बटा आधार, ठीक है, आधार, तो टेन थीटा कितना आ जाएगा, लंब कितना है निकालना ही है एच, और आधार की वेन है कितना 30, ठीक है, और थीटा कितना है 30 डिग्री, तो टेन थीटा हम लोग लिख सकते हैं टेन 30 डिग्री बराबर कितना एच बट्टा 30, तो यहाँ से हम लोग एच निकाल सकते हैं 30 गुने टेन 30 डिग्री। अब देखिए एक यहाँ पे और क्वेश्चन आता है कि 30 डिग्री का मान पता होना चाहिए टेन का, तभी आप निकाल सकते हैं, अगर 30 डिग्री का मान नहीं पता हो तो आप नहीं निकाल सकते। देखिए थोड़ा आपको रिवाइज करवा देते हैं, लिखिए यहाँ पे, आप नोट बना के इसको रख लीजिएगा, बहुत काम देगा। साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, यहाँ पे टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, इतना ही होता है। एंगल में लिख लीजिए आप 0 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इतना ही याद रखना है, ज़्यादा नहीं। देखिए कैसे फाइंड आउट करना है, आप क्या करिए, यहाँ लिखिए पहले 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, लिख दिए, आप क्या करिए इसको सबको क्या करिए रूट्स कर दीजिए एक बार, रूट 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 और रूट, और इसको भी क्या कर दीजिएगा रूट कर दिए, आप रूट कर दिए, आप सबको डिवाइड कर दीजिए टू से डिवाइड, अगला स्टेप क्या है, टू से डिवाइड कर दीजिए, बट्टा टू बट्टा टू बट्टा टू बट्टा टू बट्टा टू, ठीक है, दो से भाग दे दिए। अब इसको सही से लिखिए कितना हो जाएगा, 0 बाय समथिंग क्या हो जाएगा 0, और ये 1 एक का रूट कितना होगा एक ही, तो 1/2, ये कितना हो जाएगा 1/√2, ये कितना हो जाएगा आपका √3/2, ये कितना हो जाएगा आपका 1। डैट मीन्स हुआ जो आपका साइन थीटा का आप अच्छे से लिख देते हैं, साइन 0 का वैल्यू कितना होगा आपका 0,
साइन जीरो का वैल्यू कितना होगा, जीरो। साइन तीस का कितना होगा, एक बट्टा दो। साइन पैंतालीस का कितना होगा, एक बट्टा रूट टू। साइन साठ कितना होगा, रूट थ्री बाई टू। साइन नाइन्टी कितना होगा, वन। अगर आपको कॉस का लिखना है तो क्या करना है, कॉस के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, रिवर्स कर देना है इसका। इधर से लिखिए साइन नाइन्टी का वन, साइन साठ कितना है, रूट थ्री बाई टू, साठ पैंतालीस सेम ही रह जाएगा, और साठ तीस कितना है, वन बट्टा टू, और साठ नाइन्टी कितना हो जाएगा, जीरो जीरो। तो इसका रिवर्स कर दीजिएगा, कॉस का हो जाएगा टेन थीटा होता है आपका साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन बट्टा कॉस कर दीजिए, तो टेन थीटा लिखना है तो जीरो बट्टा वन जीरो, ये है कितना वन बट्टा टू और रूट थ्री बाई टू, तो कितना हो जाएगा ये रूट थ्री। यहाँ पे है आपका वन बट्टा रूट टू, वन बट्टा रूट टू कितना हो जाएगा वन। यहाँ पे है रूट थ्री बट्टा टू और वन बट्टा टू, ठीक है। तो कितना बचेगा यहाँ पे वन बाई रूट थ्री, ये तो वन बाई रूट थ्री हो जाता। यहाँ पे कितना बचेगा रूट थ्री, और यहाँ पे कितना है वन बट्टा जीरो, तो ये हो जाएगा आपका इन्फिनिटी। अब देखिए आप कॉट थीटा लिखना है, इसका रिवर्स कर दीजिए, तो इधर क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या लिखेगा रूट थ्री, यहाँ पे वन ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वन बाई रूट थ्री, और यहाँ पे आ जाएगा जीरो, ठीक है। तो इस तरह से आप रट्टा मार सकते हैं। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है वन बट्टा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का उल्टा कर दीजिए, ठीक है। कॉस थीटा एक का उल्टा वन, और रूट थ्री बाई टू का उल्टा करिएगा तो टू बाई रूट थ्री लिखा है, वन बट्टा रूट टू ये रूट टू हो जाएगा, वन बट्टा टू ये टू हो जाएगा, ये वन बट्टा जीरो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर कॉसेक थीटा लिखना है तो इसका उल्टा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा रूट थ्री, ये टू रूट टू, टू बट्टा रूट थ्री, और ये वन। तो इस तरह से आप टेबल याद कर सकते हैं, आपको हेल्प करेगा। तो हम लोग को क्या चाहिए था अभी, टेन तीस का वैल्यू, टेन देखिए तीस, टेन थीटा और ये तीस कितना है वन बट्टा रूट थ्री, तो हम लोग को कितना हो जाएगा यहाँ पे वन बट्टा रूट थ्री, तो आंसर कितना हो जाएगा तीस, तीस गुने वन बट्टा रूट थ्री, ठीक है। यहाँ पे रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा इसको सही करिए, तो तीस गुने रूट थ्री बट्टा थ्री, तो ये टेन हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा टेन रूट थ्री। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा टेन रूट थ्री, सी नंबर आंसर हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इस क्वेश्चन को ऐसे ईजी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको दो तीन कंसेप्ट याद रहना पड़ेगा, आप थोड़ा त्रिकोणमिति का कुछ कुछ चीज़ें और आपको कुछ वैल्यूज याद रखने पड़ेगी, जैसे ये आपको टेबल बताएं आप ये याद रख सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है फिर से त्रिकोणमिति से, देखिए त्रिकोणमिति से हमेशा तीन से चार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तीन से चार क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए आप अच्छे से कभी कभी पाँच छः भी पूछते हैं, तो तीन चार मिनिमम है, कम से कम चार, तीन से चार क्वेश्चन आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है दिया हुआ है सेक थीटा, अब इसमें देखिए हिंदी इंग्लिश क्या चलेगा, दोनों सेम ही हो जाएगा, इसलिए मैथ जब भी आप पढ़ते हैं ना तो इसमें हिंदी इंग्लिश नहीं देखा जाता है, आपको पेशेंस चाहिए और आराम से सोल्व कर सकते हैं मैथ का पेपर, ज़्यादा इतना टेंशन नहीं रहती, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस दिया हुआ है सेक ए प्लस टेन ए इंटू वन माइनस साइन ए इक्वल टू क्या होगा, तो पहले लिख लीजिए इसको, कुछ में ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं आंसर के देख के क्वेश्चन सोल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दिए, तो आपको चेक करते रहना है कि कहाँ तक जाना है। त्रिकोणमिति एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो इंड खत्म नहीं होता है, चलता ही रहता है, ठीक है। तो आपको फोकस करना है कि हम लोग को रिजल्ट क्या लाना है, वो रिजल्ट पे जाके हम लोग को रोकना रहता है। तो देखिए कैसे सोल्व करना है, आपका गिवेन दिया हुआ है सेक थीटा, ठीक है, सेक ए प्लस टेन ए इंटू वन माइनस साइन है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पे क्या लिखाएगा सेक ए, ठीक है, वन से प्लस यहाँ पे आप टेन ए माइनस सेक ए इंटू साइन ए, और लास्ट वाला टर्म कितना आ जाएगा माइनस साइन ए इंटू बट टेन ए, ठीक है। एक बार मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया, इतना आ गया, आप देखिए सेक ए हो गया ये टेन है, ठीक है, सेक को क्या लिख सकते हैं इसको वन बाय कॉस ए प्लस टेन को क्या लिख सकते हैं वन बाय साइन ए बाय कॉस ए माइनस ये क्या हो जाएगा वन बाय
कॉस ए और ऊपर में साइन ए है ये पहले से, ठीक है, माइनस साइन ए रहेगा ये क्या हो जाएगा साइन ए बाय कॉस ए। एक बात क्या पता चला कि सब में आपका कॉमन टर्म है कॉस ए कॉस ए कॉस ए नीचे में, ठीक है, तो उसको एलसीएम ले लीजिएगा, सब टर्म में कितना आ जाएगा एलसीएम कॉस ए आ जाएगा, इसको ऊपर लिख देते हैं तो क्या आ जाएगा नीचे में सब जगह कॉस ए, ठीक है, नीचे में ऊपर में सोल्व करिएगा तो कितना आएगा, देखिए यहाँ से वन प्लस साइन ए माइनस साइन ए अब माइनस साइन ए स्क्वायर ए, ठीक है, इतना आ गया, ये साइन ए कैंसिल हो जाएगा, अब कितना बचा वन माइनस साइन ए स्क्वायर ए बाय कॉस ए, ठीक है। अब एक फार्मूला यहाँ पे लगाना है, देखिए क्या है फार्मूला, आप लोगों को पता हो साइन ए स्क्वायर ए प्लस कॉस ए स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है वन, तो यहाँ से लिखिएगा कॉस ए स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा वन माइनस साइन ए स्क्वायर ए, तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा ये वन माइनस साइन ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया कॉस ए स्क्वायर ए बट्टा कॉस ए, एक कॉस से एक कैंसिल हो जाएगा, ये बराबर कितना हो गया कॉस ए के बराबर, आंसर देखिए डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है, कॉस ए के बराबर आ गया। तो बहुत ईजी था, जस्ट मल्टीप्लाई करके उसको अरेंज करना था थोड़ा और एक फार्मूला याद करना था, ठीक है, तो आप इस फार्मूला को कहीं पर लिख के रख लीजिए ताकि आगे भी आपको हेल्प करे, ये वाला फार्मूला याद रखिएगा। एक और होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए होता है, और एक होता है आपका कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू वन, तो ये तीनों फार्मूला आप याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर नाइन नंबर, देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, इसका वैल्यू पूछ रहा है। देखिए आप फिर से इसमें दो तीन चीज़ आपको सीखना पड़ेगा तभी आप, अगर आपको पहले से त्रिकोणमिति पढ़े हैं तब आप तो आसानी से कर दीजिएगा क्वेश्चन विद इन द 30 सेकेंड, आप 30 सेकेंड के अंदर ही इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, बट अगर आप नहीं पढ़े हैं त्रिकोणमिति आपको नहीं आता है तब ये बहुत लेंदी क्वेश्चन लगेगा। देखिए दो तीन फार्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, अभी लिख लीजिए डायरेक्ट साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये होता है आपका कॉस थीटा, ठीक है, अगर कहीं पे पूछे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होगा तो साइन थीटा, आप ये दो चीज याद रखिए क्वेश्चन आपको बन जाएगा, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाते हैं फार्मूला, तो क्वेश्चन क्या था आपका साइन स्क्वायर कितना है 63 डिग्री प्लस, देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 27 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 27 63 लिख सकते हैं कि नहीं, 90 में से 63 घटाइएगा 90 में से 63 तो 27 ही बनेगा। अब ये क्या बताया है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो ये तो हो गया ना साइन 90 माइनस थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, अब ये क्या बन जाएगा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। अब ये एक सेकेंड कुछ पहले ही एक क्वेश्चन में आपको बताया पिछले क्वेश्चन में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है वन, अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा ये वन, तो आंसर क्या आ जाएगा वन, ऑप्शन देख लीजिए है बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर वन। बहुत इजी क्वेश्चंस था, इस तरह से हम लोग का ट्रिको का तीन चार क्वेश्चंस हम लोग लगा लिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन भी त्रिकोणमिति का ही है, ठीक है, अगला क्वेश्चन भी किसका है त्रिकोणमिति का ही है। देखिए 11th नंबर क्वेश्चंस दिया हुआ है cot theta इज इक्वल टू 7/8, ठीक है, देन वैल्यू ऑफ हम लोग को निकालना है यदि cot theta बराबर इतना है तो
वन प्लस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा डिवाइडेड में है वन प्लस कॉस थीटा और वन माइनस कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा इसको समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या करना है, वन प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला पता है अलजेब्रा का, इस फॉर्म बीज गणित का ये फार्मूला, इसी फार्मूला को यूज़ करना है। देखिए ये क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे में भी ऐसे ही है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी क्या बन जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिंपली ये फार्मूला यूज करिएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये भी देखिएगा ए प्लस बी है, यहाँ पे ए प्लस बी है, यहाँ पे ए माइनस बी है, यहाँ पे भी ए प्लस बी है, यहाँ पे भी ए माइनस बी है, तो ये यूज कर लिए। अब ये बताए थे आपको साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, वन, ये एकदम यूनिवर्सल फार्मूला, इसको तो रट्टा मार के रखिए त्रिकोणमिति में, आपका अधिक क्वेश्चन इसी से बन जाता है। अगर किसी को निकालना है साइन स्क्वायर ए तो क्या लिखिएगा इसको, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, अगर किसी को निकालना है कॉस स्क्वायर ए तो क्या लिखिएगा यहाँ से, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये दोनों याद रखिएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, ये होता आता है आपका साइन स्क्वायर थीटा। आप देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, अगर याद रहे तब ना, देखिए सब थीटा को अभी देख लीजिए इधर एक सेकेंड, आप रिकॉल कर लीजिए बहुत काम देगा। आप पेन निकाल के इसको आप लिख के रख सकते हैं, ठीक है, आपको आगे काम होगा। देखिए टेन थीटा होता है आपका साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, ठीक है, और आपका कॉट थीटा होता है आपका इसका उल्टा होता है, कॉस थीटा बट्टा होता है ये साइन थीटा, इसी को हम लोग लिख सकते हैं वन बाय टेन थीटा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये क्या बनेगा, ये कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए वैल्यू किसका दिया हुआ था, कॉट स्क्वायर कॉट थीटा का सात बाय आठ, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सात बट्टा आठ का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर करिएगा कितना हो जाएगा, उनचास बट्टा चौंसठ आंसर हो जाएगा आपको। देखिए ऑप्शन से यस, कौन सा आंसर हो जाएगा, सी नंबर, सी नंबर कितना है, उनचास बट्टा चौंसठ। तो बहुत आसान था, दो तीन फार्मूला यूज करके आपको इसको सोल्व करना था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, अगला ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, ट्वेल्थ नंबर बारह नंबर क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि यदि बिंदु ए बी सी, ठीक है, समरैखिक है तो के का मान क्या होगा, इसको हम लोग बोलते हैं कोलिनियर, कोलिनियर 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 मतलब हुआ क्या, एक ही लाइन, ठीक है, कोलिनियर मतलब क्या हुआ, एक ही लाइन में तीनों पॉइंट है, ठीक है, कोलिनियर मतलब समरैखिक मतलब क्या हुआ, एक ही रेखा पे तीनों पॉइंट है, तीनों बिंदु है, तो मान लीजिए इसको ए बिंदु, इसको आप मान लीजिए बी बिंदु, और इसको मान लीजिए क्या, सी बिंदु, इसका देखिए दिया हुआ है बिंदु ए कितना है, दो और तीन, ठीक है, बी है आपका फोर एंड के, चार और के, और सी क्या है, छः और माइनस तीन, ठीक है, तीनों क्या है, एक ही बिंदु पे है। अगर आप लोग थोड़ा पढ़े होंगे स्लोप, ठीक है, स्लोप पढ़े हैं तब आप इजीली इसको कर सकते हैं, क्योंकि एक लाइन का स्लोप क्या होता है, बराबर होगा, स्लोप क्या होता है, इक्वल टू होता है कि आपका वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट मतलब वाई टू माइनस वाई वन बट्टा एक्स टू माइनस एक्स वन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये है y
एक्स, और ये होता है आपका क्या वाई, यहाँ पे भी क्या होगा ये एक्स, ये वाला होगा वाई, यहाँ पे भी क्या होगा ये एक्स और ये हो जाएगा वाई। आपको यहाँ पे तीन पॉइंट है तो ये हो जाएगा आपका एक्स वन वाई वन, ये हो जाएगा एक्स टू वाई टू, ठीक है, ये हो जाएगा आपका एक्स थ्री और वाई थ्री। डैट मीन्स हुआ आपको यहाँ पे गिवेन है एक्स वन है आपका टू और एक्स टू है आपका सॉरी वाई टू, वाई टू, वाई वन है आपका थ्री, ठीक है, वाई वन कितना है थ्री। ऐसे ही हम लोग के पास है एक्स टू है आपका फोर और वाई टू गिवेन है कितना के। सिमिलरली एक्स थ्री कितना है आपका सिक्स और वाई थ्री कितना है आपका माइनस थ्री। तो हमेशा एक ही लाइन में स्लोप क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको वाई टू माइनस वाई वन बट्टा एक्स टू माइनस एक्स वन बराबर होगा किसके किसके बीच का, एक्स थ्री सॉरी वाई थ्री माइनस वाई वन बट्टा एक्स थ्री माइनस एक्स वन। तो जो ऊपर में लिखेगा अगर वाई वन आ रहा है तो यहाँ पे एक्स वन आएगा, यहाँ पे वाई थ्री। तो इसको देखिए दोनों जगह पुट कर दीजिए, पुट करिएगा तो वैल्यू पता है। वाई टू कितना है, वाई टू देखिए कितना है के है जो आपको निकालना है, वाई वन कितना है थ्री, वाई वन कितना है थ्री, एक्स टू कितना है फोर है, ठीक है, और एक्स वन कितना है टू, ये बराबर हो जाएगा। वाई थ्री देखिए कितना है माइनस थ्री, माइनस थ्री, वाई वन कितना है थ्री, तो माइनस थ्री डिवाइडेड बाय एक्स थ्री कितना है सिक्स माइनस एक्स वन कितना है टू। इसको कैलकुलेट करिए कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट इधर कर लेते हैं, इधर है के माइनस थ्री बट्टा चार में से दो गया तो दो बराबर हो जाएगा आपका माइनस थ्री कितना हो गया माइनस छः बट्टा छः में से दो गया तो चार, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा के माइनस थ्री इक्वल टू कितना आ गया, दो से दो कट जाएगा और ये माइनस थ्री से कट जाएगा, डैट मीन्स हुआ माइनस थ्री। तो के बराबर कितना आ जाएगा माइनस थ्री प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, देखिए जीरो आंसर है, यस। तो आंसर कौन सा आ जाएगा डी नंबर, इसका आंसर क्या होगा जीरो, के का वैल्यू कितना हो जाएगा जीरो, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें और है क्वेश्चंस, ठीक है, इसको हटाते हैं पहले, इसको पॉज करके आराम से समझ के बना लीजिएगा आप। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पर ये कि यदि बिंदु ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष और है और क्रम में है तो पी का मान क्या होगा। क्या कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, क्या है एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज इसमें ए बी सी डी चार भुजा है जिसका मान दिया हुआ है, ठीक है, बिंदु का मान दिया हुआ है, ए है आपका छ एक, बी है आपका आठ दो, सी है आपका नौ चार, डी है आपका पी और थ्री। तो कह रहा है पी का वैल्यू, देखिए दो तीन तरीका से इसको आप बना सकते हैं। एक तरीका सबसे आसान वाला तरीका आपको बता देते हैं, ये सबसे आसान तरीका क्या है, जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट बताया कि दोनों का स्लोप बराबर होगा। तो ये समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने वाला का स्लोप क्या होगा बराबर होता है, ठीक है, इन दोनों का क्या होगा बराबर होगा और इन दोनों का क्या होगा बराबर होगा। अगर आप कोई भी एक लाइन ले लीजिए, हम ले रहे हैं एक ए बी और डी सी, दो लाइन बना, दो रेखा है, एक है ए बी रेखा और एक है डी सी रेखा, कौन कौन सा, देखिए ये है आपका डी सी रेखा, ठीक है, और ये वाला पार्ट है आपका ए बी रेखा। दोनों रेखा का क्या करेंगे हम लोग, स्लोप को इक्वल कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे करना है, स्लोप मतलब क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस बट्टा एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, ठीक है। तो दोनों लाइन का देखते हैं, तो स्लोप हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, स्लोप ए बी लाइन का बराबर होना चाहिए किसका, स्लोप डी सी रेखा का, ठीक है। तो ए बी में देखिए
ए बी में ये हो जाएगा आपका एक्स टू वाई टू और ये हो जाएगा आपका एक्स वन वाई वन। इसमें हो जाएगा आपका वाई टू प्राइम एक्स वाई टू एक्स टू प्राइम वाई टू प्राइम, ये हो जाएगा आपका एक्स वन प्राइम और वाई वन प्राइम। देखिए ए बी लाइन का क्या हो जाएगा स्लोप, वाई का डिफरेंस देखिए वाई टू माइनस वाई वन बट्टा एक्स टू माइनस एक्स वन बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा वाई टू प्राइम माइनस वाई वन प्राइम बट्टा एक्स टू प्राइम माइनस एक्स वन प्राइम। दोनों जगह वैल्यू रख दीजिए, कैसे रखिएगा इसको लिखिए यहाँ पहले ए बी में देखिए वाई टू कितना है दो ठीक है और वाई वन कितना है वन ए बी वाला में और अब एक्स टू कितना है आठ और एक्स वन कितना है छः ए बी का हो गया। अब देखिए किसका डी सी का, डी सी में वाई टू कितना है आपका डी सी में चार वाई टू है आपका चार माइनस वाई वन कितना है तीन डिवाइडेड बाय एक्स टू कितना है नौ ठीक है और ये आपको निकालना ही है पी। यहाँ से ये हो गया, आप कैलकुलेट कर लीजिए इसको सिंपल सी कैलकुलेशन आप बच्चा तो टू माइनस वन कितना होगा टू माइनस वन टू माइनस वन कितना होगा वन बट्टा आठ में से छ गया तो दो बराबर कितना हो जाएगा चार में से एक गया तो एक और ये कितना बच जाएगा नाइन माइनस पी। यहाँ से कैलकुलेट करिएगा तो नाइन माइनस पी इक्वल टू कितना आ गया दो, तो पी इक्वल टू कितना हो जाएगा टू माइनस सेवन माइनस में है तो पी बराबर कितना आ जाएगा पाँच। तो आंसर क्या आ जाएगा पी का वैल्यू पाँच, आंसर है कि नहीं। यहाँ पे नाइन है ना, ये नाइन है तो कितना हो जाएगा ये सेवन, आंसर कितना आ जाएगा सेवन। देखिए सेवन है कि नहीं, ए नंबर हो जाएगा आंसर ठीक है। इस तरह से आप जैसे प्रीवियस में किया आप स्लोप निकाल के वैसे ही यहाँ पे आप कर सकते हैं, बहुत इजी में है ये निकालना। दूसरा है नहीं तो आप क्या करिए इसके विकर्ण के कट करिएगा तो सेंटर पे कट करता है, वहाँ से भी एक मेथड से निकाल सकते हैं आप बट वो थोड़ा लेंथी है, कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। सबसे आसान तरीका यही है स्लोप वाला, इसमें कुछ नहीं करना रहता है। और इसका एक और फॉर्मूला बता देते हैं, दूसरा तरीका क्या है ठीक है, इसकी सामने वाला आमने सामने वाला का लाइन पैरेलल भी होता है और लेंथ भी बराबर होता है, तो आप डिस्टेंस फार्मूला भी लगा सकते हैं दोनों के बीच में, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं ठीक है। आपको किसी दूसरे क्वेश्चन से आपको डिस्टेंस फार्मूला से भी आपको एक क्वेश्चन करवा देंगे। अगला क्वेश्चन देखते क्या है, चौदह नंबर क्वेश्चन है, कह रहे हैं बिंदुओं फाइव सिक्स ठीक है एंड माइनस वन माइनस फोर को जोड़ने वाली रेखा को वाई अक्ष द्वारा किस अनुपात में बांटा जाएगा ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले ड्रॉ करना पड़ेगा लाइन ठीक है, पहले रेखा दिखाइए कहाँ कहाँ पे लाइन करेगा, इसको थोड़ा हटाना पड़ेगा रुकिए। देखिए ये एक सेकेंड ठीक है, एक लाइन है ठीक है और दूसरा लाइन हो जाएगा आपका तीसरा, दो लाइन हो गया तो इसी में है दो पॉइंट, कौन कौन सा पॉइंट है देखिए, पहला पॉइंट है फाइव सिक्स, तो फाइव इधर और सिक्स इधर, तो कहीं यहाँ पे लाइक करेगा कहाँ पे कुछ आसपास में लाइक करेगा इस जगह पे, ये पॉइंट है आपका एक फाइव इंटू सिक्स ठीक है, ये हो गया आपका ये हो गया ये है आपका फाइव सिक्स। दूसरा पॉइंट है माइनस वन और माइनस फोर, माइनस वन कितना होगा यहाँ पे होगा अब माइनस फोर क्या हो पाएगा यहाँ पे, तो माइनस वन और माइनस फोर का है कुछ इस तरह से इधर आ जाएगा ठीक है, ये पॉइंट है माइनस वन एंड माइनस फोर, दोनों को अगर मिलाइएगा इन दोनों को अगर लाइन से मिलाइएगा ठीक है लाइन से जैसे मिलाइएगा तो कुछ इस तरह से होगा लाइन ठीक है। ये वाई कोऑर्डिनेट को थोड़ा एक्सटेंड कर लीजिए हो गया, तो लाइन से हो गया, ये आपका कोऑर्डिनेट क्या है ये है वाई लाइन और ये आपका है एक्स लाइन ठीक है। तो क्वेश्चंस कह रहा है
वाई एक्सिस को कितने रेशियो में कट करेगा। देखिए ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है, पॉइंट वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय द वाई एक्सिस 5 6 माइनस 1 माइनस 4 कितने रेशियो में कट कर रहा है। तो आपको निकालना है इसका रेशियो और इसका रेशियो। देखिए y पे कहाँ पे कट करेगा, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट 0, y आपको निकालना ही है, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। इसको थोड़ा रुकिए, कैलकुलेशन करना पड़ेगा थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक देख लेते हैं, ठीक है।